दोस्तों अब तो कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत में पिछले 230 दिनों के बाद उच्चतम स्तर पर कोरोना के आंकड़े देखने को मिले। 24 घंटों के दौरान 10,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 1.5 सालों में सबसे ज्यादा संख्या है। और कोरोना की ये तेज रफ्तार वाकई में वापस डराने लगी है। ये ग्राफ में आंकड़ा देख सकते हैं आप कि अप्रैल के महीने में किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ने लगे। 9 अप्रैल को 5,357 नए मामले सामने आए थे, 10 अप्रैल को 5,800, 11 अप्रैल को फिर गिरावट हुई 5,600, 12 अप्रैल को 7,800 और 13 अप्रैल को 10,158 नए मामले सामने आए कोरोना के, बीते 24 घंटों के दौरान मतलब। और अभी भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी 45,000 के पार पहुंच चुकी है, जो कि वाकई में बड़ी चिंता की बात है। देश में कोरोना की स्थितियों का अलग अलग डेटा भी आप देख सकते हैं, कुल कितने कंफर्म केस हो चुके हैं, जिसमें से कितने ठीक हो गए, कितनी मौतें हो गई और एक्टिव केस अभी क्या चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि 2 दिन में कोरोना के केस डबल हुए, आखिर ये बढ़ते कोरोना की रफ्तार कब तक रुकेगी। तो इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश को अभी कोरोना से राहत नहीं मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अगले 10 से 12 दिनों तक कोरोना के मामले और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर एक राहत भरी खबर ये आ रही कि भारत में अब कोरोना अंतिम दौर में चल रहा। कुछ देश के स्वास्थ्य एक्सपर्ट वगैरह का ये मानना है कि 10-12 दिन तक भले ही मामले बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद कोरोना के केस देश में कम होने लगेंगे। और यहां तक कि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट तो ये भी बता रहे हैं कि जल्द ही आम सर्दी बुखार की तरह रह जाएगा कोरोना संक्रमण। अगले 10 दिनों तक केस बढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफ वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक जो बड़ी चिंता की बात चल रही है वो ये दोस्तों कि भारत में अभी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों में XBB.1.16 वेरिएंट ज्यादा बढ़ रहा है, और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में कई देशों में कोरोना पर टेंशन बढ़ा रहा है ये XBB.1.16 वेरिएंट। अभी तक दुनिया के कितने देशों में इसका असर फैल चुका है, तो दोस्तों पिछले महीने मार्च तक दुनिया के 21 देशों में ये ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है XBB.1.16, इस वेरिएंट के सीक्वेंस की सूचना मिल चुकी है। 21 देशों में ये फैल चुका है, जिसमें अमेरिका, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से भी इसके मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक XBB.1.16 के कारण ही अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों वगैरह के और ICU में भर्ती होने की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन मौतों में बढ़ोतरी का संकेत ये वेरिएंट नहीं है। इस वेरिएंट के वैसे बेसिकली लक्षण क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द, सिर में दर्द, सर्दी, डायरिया, पेट दर्द, नाक बहना, थकान, ये लक्षण अगर काफी लंबे समय से आप में या आपके परिवार में किसी सदस्य में दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, है ना। सरकार का भी ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप सतर्क हो जाएं। हालांकि सरकार ने खुद भी ये माना कि कोरोना की नई वेव आ चुकी है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखिए कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली एम्स ने भी एक एडवाइजरी जारी की है और अब एम्स हॉस्पिटल के सभी स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी देखिए, लखनऊ से अब आपको घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूरी होगा। योगी सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। स्कूल, दफ्तर, यहां पर बिना मास्क के नो एंट्री रहेगी। और इतना ही नहीं, देखिए आप स्कूल, दफ्तर के अलावा अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जितने भी पब्लिक प्लेसेज है ना, सार्वजनिक स्थान, उन सभी पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। योगी सरकार की तरफ से कोरोना पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की और उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई थी पहले ही DLS न्यूज पर। अच्छा, कुछ स्टेट कोरोना अपडेट देखिए आप। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में नए मामले 1,000 से ज्यादा आए, 9 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही, 24 घंटों में 1,149 नए मामले आए, 677 मरीज ठीक भी हुए। अभी दिल्ली में ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे हैं 70 मरीज और बाकी NCR के बाकी शहरों के हाल भी काफी खराब चल रहे हैं। दिल्ली में कोरोना 1,000 से पार लौटे, मास्क के दिन, सैनिटेशन वगैरह भी अनिवार्य कर दिया कई जगहों पर। वर्क प्लेस पर पूरी तरह से साफ सफाई और नियमित सैनिटाइजेशन जरूर करिए, गाइडलाइन जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में देखिए 30 दिन में 192 से 1926 तक पहुंची कोरोना संक्रमित की रफ्तार। प्रदेश में 414 नए मामले आए 24 घंटों में। बिहार में देखिए बीते 24 घंटों में भागलपुर में 5 तो दरभंगा में 2 मरीज मिले। कुल बिहार में जो 24 घंटों में मरीजों का आंकड़ा सामने आया वो 236 था। अकेले पटना में, जो बिहार की राजधानी है, वहां 100 के पार नए मरीज आए। बिहार के 24 जिलों में अब तक कोरोना फैल चुका है और इससे एक दिन पहले भी 52 लोग पॉजिटिव आए थे, जिसमें से 29 पटना के थे। एक्टिव मरीज भी भारी संख्या में बढ़े हैं। राजस्थान में देखिए 355 नए मामले आए। जयपुर में एक पीड़ित की मौत हुई, जबकि इस बढ़ोतरी के बाद अब 1245 एक्टिव केस हो चुके हैं राजस्थान में। वैसे दोस्तों आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।